Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. So, कैसे जा रहे हैं इस बार की समर वेकेशन? क्यों? क्यों? घूमने नहीं जा रहे इसलिए. तो मैं तो ऐसा जुगाड़ कर रहा हूँ आपका कि आप बहुत घूमो, आप पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करो. आप होगी केवल नानी के घर तक ही सीमित रहना चाहते हो. भाई अभी थोड़ा मेहनत कर लोगे तो कुछ बन जाओगे, तो वर्ल्ड टूर पे जाना ना. और अभी नानी के घर तक सीमित रह गए तो फिर कुछ सालों बाद तो नानी भी कभी ना कभी तो ऑफ होगी, होगी सबको ऑफ होना है. तो फिर वो नानी जब ऑफ होंगी तब हमको नानी के घर भी कोई नहीं पूछेगा और हम खुद भी कुछ नहीं बन पाए. ठीक है, सो मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, लॉन्ग टर्म. और आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो. अरे एक्स वाई जेड, ठीक है ना. अरे ऐसे तो फिर कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा. जिंदगी 2 दिन की, वैसे भी 2 दिन की है, 4 दिन की है. वैसे डायलॉग में होता है कि जिंदगी 4 दिन की है, ठीक है ना. ओके चलो एनीवेज आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए. एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करके खत्म करने का मुद्दा है आज. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. जिन बच्चों को प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल समझने में प्रॉब्लम आई, हाँ ठीक है, वो अब देखेंगे रूट 5 में वो प्रॉब्लम. मतलब कुछ चीजें रूट 2 से सीखी तो हो सकता है वहां पे जो चीज प्रॉब्लम है वो रूट 5 में सोल्व हो जाए. तो रूट 2 और रूट 5 के बाद भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप कहेंगे ओके. अब रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम वो सारी बातें नहीं लिखेंगे, वो तो कॉपी पेस्ट होंगी. जो चेंजेस होंगे उसकी मैं बात करूंगा. जो चेंजेस होंगे भाई रूट 2 से रूट 5 में जो चेंजेस आएंगे उसकी बात करेंगे. ऐसा नहीं कि फिर सारा वो लिखने बैठेंगे, है ना. मेन पॉइंट्स नोट आउट करेंगे क्योंकि जो स्टेटमेंट्स है वो तो वैसे ही रहेंगे. जो स्टेटमेंट्स है वो तो वैसे के ओरली बोल दूंगा. ओके स्टार्ट करें. सो पहला काम क्या करते हैं, किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल इरेशनल प्रूव करने के लिए उल्टा कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्रेरी मान लेते हैं कि ये तो रैशनल है, उल्टा मान लेते हैं. यही करते हैं हम लोग. ठीक है चलो स्टार्ट करो फिर. सपोज लेट अस सपोज कैसे लिखते हैं बताओ. क्या था पहला स्टेटमेंट? लेट अस सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट रूट फाइव इज क्या लिख सकते हो फिर आप पी बाई क्यू की फॉर्म में? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स and q is not equal to 0. ठीक है डन. अब जैसे ही अपन किसी रैशनल नंबर को उसकी p by q की फॉर्म में लिखते हैं, तो दो बातें होती हैं, या तो p और q को प्राइम होते हैं या फिर p और q को प्राइम नहीं. को प्राइम होने का मतलब पता होना, याद रखना पड़ेगा. क्या होता है को प्राइम? जिनमें कोई भी वन के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो. इन शॉर्ट जो कट सकते हैं, जो कट नहीं सकते हैं वो कोप्राइम होते हैं, जो कट जाएं वो कोप्राइम नहीं होते. ठीक है, सो एक बार के लिए अपन क्या मानेंगे कि P और Q कोप्राइम नहीं है. तो इनको कोप्राइम में कन्वर्ट करने के लिए इनके कॉमन फैक्टर से इनको काटेंगे तो जो अब फॉर्म मिलेगी A बाय B की, उसको मान लेंगे कि अभी ये कोप्राइम वाली फॉर्म है. ठीक है, सो नाउ डिवाइडिंग P and Q बाय देयर कॉमन फैक्टर, नहीं अदर देन वन. वन सबका कॉमन फैक्टर है, दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका फैक्टर वन ना हो, तो फिर तो दुनिया का कोई नंबर कोप्राइम होंगे ही नहीं. ठीक है ना, क्लियर है? अदर देन वन उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है. ठीक है, द नंबर्स व्हिच डू नॉट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर अदर देन वन, दोस नंबर्स आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स. डिवाइडिंग पी एंड क्यू, कृतिका नींद आ रही है, बाय देयर कॉमन फैक्टर. नींद आ रही है, आओ आ गया बाय देयर कॉमन फैक्टर. ठीक है,
वी गेट, नींदे उड़ जानी चाहिए आपकी सब लोगों की, है ना? आ जाओ, वी गेट पी बाय क्यू, या वी गेट रूट टू या रूट फाइव, रूट फाइव इक्वल टू, पहले पी बाय क्यू था लेकिन अभी क्या हो गया वो, वे आर ए एंड बी आर, अरे को प्राइम इंटीजर्स तो है, इंटीजर्स तो है, इंटीजर्स तो वो है लेकिन वो इंटीजर्स भी को प्राइम इंटीजर्स है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब उनको उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद ए और की को प्राइम क्यों बने वो जाने, इतना तो उसको पता होना चाहिए भाई। पहले तो केवल पी और क्यू इंटीजर्स थे लेकिन कॉमन फैक्टर्स डिवाइड करने के बाद अब ये को प्राइम है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो अब इसी का तो कॉन्ट्राडिक्शन लेना है अपने को कि वो को प्राइम नहीं है, तो अब क्या करेंगे इसका स्क्वायरिंग फॉर द साइड्स। बोलो मयंक, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? एक आखिरी बार और पूछ रहे हैं, यहां तक कोई डाउट? स्टेज बाय स्टेज। और किसी को कोई डाउट? और किसको था आते हाथ किसने खड़ा किया था? हाँ, यहां तक कोई डाउट? नो। नाउ वी हैव, अब हम इस स्टेज पर हैं कि हमारे पास रूट फाइव की ये वैल्यू है ए बाय बी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, एक लाइन लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी हैव वी गेट, सो लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड्स, सो रूट फाइव का स्क्वायर बोलो रुद्र एंड मयंक, ए बाय बी का स्क्वायर बोलो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसमें मैं फाइव को इधर और बी स्क्वायर को इधर ले आऊं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नो, मैथमेटिकली हम इस टाइप की चीजें करते रहते हैं अलग अलग चीजें प्रूव करने के लिए, सो फाइव को इधर एंड बी स्क्वायर को इधर, सो इससे इम्प्लीकेशन हो गया, मतलब नया इक्वेशन बन गई मेरी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय फाइव। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? किसी और को यहां तक कोई डाउट? नो। अब हमने एक थ्योरम सीखी थी कि अच्छा फाइव प्राइम नंबर है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो। तो हमने इससे पहले एक थ्योरम सीखी थी, अगर एक प्राइम नंबर किसी नंबर के ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं? ओके, सो अगर एक प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस पॉजिटिव नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। अच्छा ये इसको डिवाइड करता है, इसका ये सर आपको कैसे पता चला कि इसको डिवाइड कर रहा है? क्योंकि इसका आंसर बी स्क्वायर है और बी एक इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर भी, जैसे 5 एक इंटीजर है तो उसका स्क्वायर बोलो 25, वो भी एक इंटीजर है। मान लो 3 एक इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर 9 भी, ऐसा थोड़ा नहीं कि किसी इंटीजर का स्क्वायर नॉन इंटीजर आ सकता है, जैसे 3 का स्क्वायर 5.6 थोड़ा आ सकता है, एक इंटीजर ही आएगा 9, सो ये एक इंटीजर है। और किसी नंबर को किसी इंटीजर से डिवाइड करके एक इंटीजर मिलता है तो मैं कह सकता हूँ ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, कह सकते हैं? तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ, 5 डिवाइड्स बी ए स्क्वायर, जिसको डिवाइड कर रहा है उसको वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, इंप्लाइज 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। बोलो कोई डाउट यहां तक? और अब यहां पे एक लाइन एक थ्योरम लिखनी है कि वी नो दैट इफ ए प्राइम नंबर पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन इट विल आल्सो डिवाइड ए, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वो लिख लोगे उसका रिजल्ट आ जाएगा ना, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए प्राइम नंबर को कभी कोई दूसरा प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है क्या? एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, वेयर ए इज एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, 5 डिवाइड्स ए। अरे दूसरा कोई, ये 5 किसी दूसरे प्राइम नंबर को डिवाइड कर सकता है क्या? अगर अगर मैंने 5 अगर सेम सेम लेना था तो फिर मैं ए और बी अलग अलग क्यों लेता, पी और क्यू अलग अलग क्यों लेता, ठीक है? 5 किसी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी इंक्लूडिंग 5 भी ले लो उसमें, 5 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसके अलावा कोई और भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी करेगा, लाइक 5 है ना 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, करता है ना, तो 5 25 को भी डिवाइड करता है, 5 जो है ना 50 के स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, तो 5 50 को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स ए, देयर इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, डन, क्लियर? जिस रूट पी टाइप के, रूट पी टाइप के, रूट पी टाइप के नंबर्स यानी रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11 रूट 13 रूट
17 एंड सो ऑन. रूट पी टैप के रैशनल नंबर्स को रैशनल प्रूव करने का तरीका ये. अब जो दूसरे टैप के आएंगे वो सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आ रहे हैं, उनको देखेंगे. रूट फोर इरेशनल है, जब है ही नहीं तो कैसे कर सकते हो, तो उसको प्रूव करने का ये तरीका नहीं है. उसको प्रूव करने का दूसरा तरीका आ रहा है ना अभी, सेकंड थर्ड क्वेश्चन. एक तो सीखो, ठीक है, क्लियर. एंड रूट फोर इज नॉट एन इरेशनल नंबर फॉर गॉड्स. मैं प्रूव कर दूं ये कबूतर है ही नहीं तो कैसे प्रूव कर दूं, ये तो पेन है, ठीक है, जादू थोड़ी ना मेरे पास. ओके, फाइव डिवाइड्स ए, चलो नेक्स्ट. अब अपने को प्रूव करना है फाइव डिवाइड्स बी. तो अब तक हमको क्या मिला, अब तक हमको मिला हाउ वी हैव. अब सुनना, रुद्र एंड मयंक पांच ए को डिवाइड करता है, ए को भी करता है ना. अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को करता है तो उसको भी करेगा ना. एक बात को बार बार क्या बोल दू, तो पांच ए को डिवाइड करता है, ये रहा पांच, ये रहा ए, इसको डिवाइड करता है. तो अगर कोई नंबर किस नंबर को पूरा डिवाइड करेगा तो एक इंटीग्रल वैल्यू आंसर में मिलेगी, डेसिमल नहीं मिलेगी. क्या मिलेगी, इंटीग्रल. लेट्स से वो इंटीजर सी मिला, वेयर सी इज एनी इंटीजर, वेयर सी इज एनी. आपने कहा पांच ए को डिवाइड करता है तो मैंने कर दिया. अब करने के बाद मिलेगा क्या, एक आंसर को मिलेगा डिवाइड करने के बाद, और वो इंटीग्रल मिलेगा क्योंकि वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है. ठीक है, क्लियर यहां तक. अब कर दो इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो बेटा अगर आपको रूट टू और रूट फाइव समझ नहीं आया था तो कल के पूरे दिन में आपको ये ख्याल नहीं आया कि सर से चल के पूछ लें, तो फिर क्यों नहीं कांटेक्ट किया कल की, मतलब कल का दिन वेस्ट कर दिया आपने पूरा. बोलो, मुझसे पूछे थे कब, पूछे मुझसे कब पूछे थे आप, तो शाम को आते हैं, आते हैं कुछ बच्चे शाम को पढ़ने जिनको डाउट्स होती हैं टाइम लेके टीचर से. ठीक है, तो अच्छी आदत है ये कि अगर अपने को कोई डाउट है तो अपन भाई पूरी क्लास को नहीं, केवल एक या दो बच्चे को कोई डाउट है तो वो एक्स्ट्रा में भी समझ सकता है. ठीक है, उससे आपका हमारा सबका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए. ओके ना, अब बाकी सब बच्चे ऐसे देख रहे हैं, हाँ सर कर तो लिया, चलो ना आगे, सबके मन में ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे. चलो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, सो लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड्स अगेन. सो ए का स्क्वायर एंड फाइव का स्क्वायर इज 25, बट आई कैन राइट इट एज 5 इनटू 5 क्योंकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं मैं. एंड सी का स्क्वायर इज, तो इसको लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 मान ली मैंने, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ए स्क्वायर बाई 5 की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट हो सकती है, बी स्क्वायर हो सकती है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है. सो मैं लिख दूंगा इसके नीचे इंप्लाइज, इंप्लाइज ए स्क्वायर बाय 5 की जगह तो बी स्क्वायर लिख दिया और नीचे एक 5 और है, इक्वल टू सी स्क्वायर एंड इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1. बोलो यहां तक कोई डाउट, फ्रॉम इक्वेशन. चलिए, अब 5 अगेन एक प्राइम नंबर है जो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और एक इंटीजर का स्क्वायर मिल रहा है, तो इंटीजर का स्क्वायर अगेन इंटीजर होता है. इसका मतलब 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, इसका मतलब 5 डिवाइड्स. आंसर में जब जब इंटीजर मिले तब तब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड करता है, ऐसी बात कह सकते हैं ना. सो सी वाज एन इंटीजर, लिखा है अपन, वेयर सी इज एन इंटीजर, तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है. तो यहां से कह सकता हूं 5 डिवाइड्स सी स्क्वायर इंप्लाइज 5 डिवाइड्स, सॉरी बी स्क्वायर नॉट सी स्क्वायर, 5 डिवाइड जो न्यूमरेटर में बैठा है बी स्क्वायर. एंड अगेन उस थ्योरम को यूज करें, एक बार तो इस क्वेश्चन में लिखनी है वो थ्योरम, दोबारा में नहीं लिखनी. अब सिंपली कह सकते हैं हम 5 डिवाइड्स बी, 5 डिवाइड्स, हाँ देख लें. तो 5 डिवाइड्स ए लिखा, 5 डिवाइड्स बी लिखा, इन दोनों को कंबाइन करके लिखे हम, एक लाइन लिखेंगे हम, प्रीवियसली प्रीवियसली वी गॉट, previously we got, पहले क्या मिला, 5 डिवाइड से
previously we got 5 divided a. Now we get 5 divides b. Now we get 5 divides b. 5 divides b. Now we get 5 divides b. So we can say that अगर 5 a और b दोनों को डिवाइड करेगा तो a और b का कॉमन फैक्टर बनेगा. सो वी कैन से दैट ठीक है 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b. 5 द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b. पर भी को हमने कोप्राइम प्रूव किया था पहले और उनका कॉमन फैक्टर बन गया तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया. सो हम क्या लिखेंगे बट दिस मार्क्स द फैक्ट दैट बट ये वाली लाइन जो है उस वाली लाइन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि a और b कोप्राइम है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस मतलब ये वाली लाइन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है विरोध कर रही है द फैक्ट जो फैक्ट हमने पहले प्रूव किया था उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दैट a एंड b आर कोप्राइम्स a एंड b आर कोप्राइम्स. फिर एक रटी रटाई लाइन लास्ट में लिखनी है जो मैं लिख नहीं रहा हूं ओरली बता रहा हूं लास्ट टाइम लिखी थी सेम वही. And this contradiction has arisen because of our wrong assumption that root 5 is irrational. Hence, we can conclude that root 5 is वहाँ पे rational. Hence, we can conclude that root 5 is irrational. हो जाएगा क्या? तो आप बताओ यहाँ पे और कौन सा ऐसा assumption कहाँ से start किया था? देखो मेरी बात सुनो. दो रास्ते हैं मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत. जैसे लर्नर्स अकेडमी पहुंचना है दो रास्ते हैं है ना. अब हो सकता है कि ये रास्ता जाता हो वो रास्ता ये जाता हो. अब सपोज कर मैं इस रास्ते में घूम गया आगे बहुत टाइम तक चलता रहा और एट द एंड टाइम कुछ ऐसा मुझे क्लू मिला कि ये रास्ता लर्नर्स अकेडमी नहीं जाता है. कोई आदमी मिल गया उसने कह दिया गलत आ गया भैया तो इसका मतलब क्या कुछ और हो सकता है? फिर तो वही जाता होगा कि रास्ते ही दो थे. तो रैशनल होना इरेशनल होना दो ही रास्ते हैं. तीसरी तो कोई टाइप नहीं होती रियल नंबर की. सो रैशनल मानने से कॉन्ट्राडिक्शन आया यानी पहला रास्ता गलत था जहां से रास्ते टूटे रैशनल इरेशनल वो रास्ता गलत था वो तो इरेशनल समझ गए. क्लियर है क्या? अभी क्लियर है क्या? एनी अदर? रूट 7 भी हो सकता है ऐसे. So get ready for root 7 in our exam. देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन दूंगा. रूट 7 या रूट 11 के लिए रेडी रहना ठीक है. प्रैक्टिस करना घर पे. रूट 7 क्या है? सेम टू सेम करना है. रूट 7 का 7 स्क्वायर हो जाएगा फिर बी स्क्वायर बाई 7 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा सी स्क्वायर में. ठीक है क्लियर. चलो अब सेकेंड टाइप का डिस्कस करें. बोलो रेडी. चलो क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट अब आवाज नहीं 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल. अब देखो यहां पे रूट 5 भी इरेशनल है और 3 प्लस 2 रूट 5 भी इरेशनल है. दोनों इरेशनल नंबर्स हैं वो तो सबको पता है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये किस टाइप का इरेशनल नंबर है और ये किस टाइप का इरेशनल नंबर है पहले तो वो पता लगाओ. ये किस टाइप का इरेशनल नंबर है मतलब इन दोनों नंबर्स के टाइप में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको टाइप याद करना पड़ेगा. अच्छा ये उस टाइप का था तो उस तरीके से इरेशनल प्रूव होगा और ये इस टाइप का है तो इस टाइप से इरेशनल प्रूव होगा. तो पहले इन दोनों के टाइप में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या बोलो? सही कह रहे टू टर्म्स का है. सो अगर टू टर्म्स का ऐसे लिख दूं मैं रूट 2 प्लस रूट 5 अगर मैं लिख दूं रूट 2 प्लस रूट 5 तो वो भी दो टर्म्स का है दैट इज फाइन बट उससे ज्यादा वो दो टर्म्स में है क्या क्या चीजें? देखो ये प्योर इरेशनल नंबर है या इसको कह सकते हैं रूट पी टाइप का. ये क्या है? रूट पी अंदर पी है ना. पी फॉर प्राइम नंबर. पी फॉर अंदर पी है या नहीं है रूट पी. तो ये तो है रूट पी टाइप का. तो रूट पी टाइप के जो भी नंबर्स इरेशनल होंगे उसको प्रूव करने का तरीका तो ये है जो अभी हमने डिस्कस किया या आज और परसों वाली.
क्या नहीं हो तो फिर दूसरा तरीका है ना, रूट पी टाइप का नंबर है तो ऐसा वाला तरीका है जो अभी हमने किया, और रूट पी टाइप का नहीं है इस टाइप का है, तो ये इस टाइप को हम क्या कहेंगे, इस टाइप को हम कहेंगे एनी अदर टाइप। अब एनी अदर टाइप में पता है क्या आएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। थ्री एक रैशनल नंबर है, टू एक रैशनल नंबर है, बट रूट फाइव एक इरैशनल नंबर है। तो अलजेब्रा ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, अलजेब्रा का मतलब होता है जोड़ बाकी करके कुछ नई चीज तैयार करना। So, 3 एक रैशनल था, 2 एक रैशनल था, रूट 5 एक इरेशनल था। पहले तो 2 और रूट 5 का गुणा किया, रैशनल इरेशनल का गुणा किया, एक इरेशनल मिला, फिर उस इरेशनल में 3 रैशनल जोड़े तो ओवरऑल इरेशनल मिला। क्योंकि ये बात तो हम 9 से सीखते हुए आ रहे हैं, अगर पूरे नंबर में थोड़ा सा पार्ट भी इरेशनल है तो पूरा नंबर इरेशनल है। एक छोटी सी अगर गंदी मछली है तो पूरा तालाब ही वो गंदा है। ये चीज तो हम सीखते आ रहे हैं, लेकिन अब प्रूव करना है मैथमेटिकली। सो है तो इरेशनल क्योंकि उसमें एक पार्ट जो है वो इरेशनल दिखाई दे रहा है। इसको प्रूव करने का तरीका जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ईशानी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो इरेशनल पार्ट है कहां है, रूट फाइव, इसको हम इसके सॉल्यूशन में इरेशनल ही मानेंगे स्टार्टिंग से, उसको इरेशनल प्रूव नहीं करना है। समझ आया, इसके अंदर रूट फाइव को इरेशनल प्रूव नहीं करना है, इसमें इस टोटल नंबर को इरेशनल प्रूव करना है। सो हम सीधे सीधे इसको इरेशनल मान सकते हैं कि रूट फाइव तो इसमें इरेशनल है ही सही, उसको प्रूव नहीं करना है, क्योंकि रूट फाइव को इरेशनल प्रूव करने का तरीका तो ये था जो अभी हमने किया। यानी कि सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन तो है ऐसा तो मान लिया जाएगा कि हाँ रूट फाइव तो इरेशनल है, या रूट पी टाइप का कोई भी नंबर, रूट फाइव, रूट टू, रूट सेवन, इस टाइप का कोई भी नंबर ऑलरेडी इरेशनल है। अब उसके कॉम्बिनेशन में जब नंबर बनता है तो वो इरेशनल बनता है, इसको प्रूव करना है। समझ गए क्या, क्लियर है, ठीक है, अहद समझ आया। मतलब इस क्वेश्चन में ये डिस्कशन नहीं होगा कि रूट फाइव इरेशनल क्यों है, उसको तो मान लिया जाएगा कि वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल। हाँ नहीं, इतने ज्यादा वेटेज का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, अगर 4 का आएगा तो ऊपर वाला आएगा, 2 का आएगा तो इससे ज्यादा वेटेज नहीं आया आज तक, नहीं आ सकता। ठीक है, क्लियर है, पैटर्न समझ आया। देखो आप ये समझो कि ये क्वेश्चन पूछने से का उसका उद्देश्य क्या है, उस क्वेश्चन को पूछने का उद्देश्य क्या है, इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन का पूछने का उद्देश्य ये है कि वो ये जानना चाहता है कि रूट पी इरेशनल क्यों होता है। रूट पी मतलब पी फॉर एनी प्राइम नंबर। इसका पूछने का उद्देश्य ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो ओवरऑल इरेशनल क्यों होते हैं, ऐसा आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन है वो प्योर इरेशनल नंबर है। समझ गए क्या, शुरू करें अभी फाइनली। चलो तो देखो कैसे करेंगे, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, ये काफी सरल है एज कंपेयर टू द रूट फाइव वाला। ठीक है, आ जाओ। तो स्टार्ट बिल्कुल सेम, मतलब 50% काम सेम है, 50% काम सेम है। स्टार्ट उसमें क्या किया था, उल्टा मान के किया था, रैशनल मान के, इसमें भी उल्टा मान के। तो लेट अस सपोज, यू कैन स्टार्ट राइटिंग, लेट अस सपोज, और समझते भी जाना, ऑन द कॉन्ट्रेरी, let us suppose on the contrary that on the contrary that जो भी नंबर किया, क्या नंबर किया मैंने बोलना, 3 plus is, इसको क्या मान लिया मैंने, उल्टा मान। यहां तक सेम, रूट फाइव थोड़ी ना है, वो तो 3 + 2√5 है ना, वो तो 3 + √2√5 है ना, रूट फाइव की बात थोड़ी ना हो रही है। 3 + 2√5 की वैल्यू अलग होगी, रूट फाइव की वैल्यू अलग होगी, रूट फाइव की वैल्यू 2.25 के आसपास होगी, 3 + 2√5 को सॉल्व करो अलग वैल्यू आएगी, 8 point something के आसपास आएगी, कर लेना। तो ये वैल्यू अलग है, तो ये दो अलग अलग नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, तो इस नंबर को रैशनल माना है मैंने। क्लियर है यहां तक, क्या 3 + 2 क्या, इसको सॉल्व कैसे करेगा मौलिक, 5 + 7 करके कर देगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा, पहले ये करेगा तो उधर पहले क्या करेगा, ये करेगा फिर जोड़ेगा, अब ये करने पे यही मिला, इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं, 2 √5 √5, फिर 3 जोड़ेंगे तो बॉड मास में हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले जोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा और अगर ऐसे आ जाए 3 + 2x तो 5x कर देगा क्या, तो लेट x बी √5, उसी टाइप का नंबर हो गया।
ठीक है। हाँ जी चलिए अब आइए यहाँ पे, तो हमने इसको क्या मान लिया, रैशनल। तो जैसे ही किसी नंबर को रैशनल मानते हैं तो क्या होता है, उसको क्या लिख सकते हैं अपन, टी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर टी एंड क्यू आर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर थर्ड स्टेप क्या होती है, उनके प्राइम उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके उनको ए बाई बी में कन्वर्ट करके जाता है, जहां पे ए एंड बी आर को प्राइम्स। तो इसमें वो दो स्टेज जो थी ना पहले, पी बाई क्यू एंड देन ए बाई बी, उसको एक साथ ही लिखा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोसेस वो नहीं है। पिछले इक्वेशन में प्रोसेस क्या था कि ए और बी को प्राइम मान के अगले कुछ देर के बाद उसको वापस नॉट को प्राइम हमने मान लिया, लेकिन यहाँ पे उसको को प्राइम नॉट को प्राइम से प्रूव नहीं किया जाएगा। तो हम लिखेंगे तो सही, लेकिन दोनों स्टेजेस को मर्ज करके लिखेंगे। कैसे, सो थ्री प्लस टू रूट फाइव को पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड विच उसको फर्दर डिवाइड करके ए बाय बी की एक ही स्टेज में लिख देंगे, क्योंकि ये जो चीज है पी बाय क्यू से ए बाय बी क्यों हुआ, ये इस क्वेश्चन में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो लिख तो दिया हमने, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा। इक्वल टू ए बाय बी वेयर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, वेयर ए एंड बी आर बोलो इंटीजर्स भी है, कट चुके हैं तो को प्राइम भी है, एंड बी इज नॉट इक्वल टू, जैसे उसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता था, तो यहाँ पी इज नॉट इक्वल। बोलो यहां तक कोई डाउट, नो? सो नाउ वी हैव, अब हमारे पास क्या क्या चीज है, ये तो अजम्पशन का कार्य पूरा हो गया है ना। सो नाउ वी हैव, अब हमारे पास 3 प्लस टू रूट फाइव की अभी तक की वैल्यू है a बाई बी, यस और नो? a बाई बी की वैल्यू है अभी तक हमारे पास 3 प्लस टू रूट फाइव की क्या वैल्यू है, a बाय बी। यहां तक कोई डाउट, नो? अब सुनना ध्यान से, इसके बाद करना क्या होता है, रटे रटे स्टेप्स नहीं, सिस्टम समझेंगे। इसके बाद हमको इसमें से ये गंदा तालाब है जिसके अंदर ये गंदी मछली है, यस, हटाओ नहीं, आइसोलेट करो। आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है, एक तरफा करो, या तो LHS दैट मींस रूट फाइव को छोड़ के बाकी सबको इधर भेजना है, भेज सकते हैं हम, इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना, पहले थ्री को भेजेंगे देन टू को भेजेंगे, करें आइसोलेट, करो जो भी गंदी मछली दिखाई दे, रूट फाइव हो, रूट टू हो, रूट सेवन हो, एक आध गंदी मछली उसमें दिखाई देगी, उसको आइसोलेट करना। सो रूट टू रूट फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री को इधर भेज दो, टू रूट फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री को इधर भेज दें तो ए बाई बी, और इसको सॉल्व करें तो इट इज इक्वल टू वॉट, ए माइनस थ्री बी बाई बी। ये चीज समझ में आई किसी को, बी एलसीएम लेने के बाद, B को LCM ले लूं तो ये आ जाएगा क्या, a माइनस थ्री बी बाई बी, टू रूट फाइव की वैल्यू आ गई तो रूट फाइव की वैल्यू क्या आएगी, टू नीचे आ जाएगा, करो तो रूट फाइव की वैल्यू निकाल ली क्या आपने, बोलो जीविका, रूट फाइव की वैल्यू आ गई, ये तो टू रूट फाइव की वैल्यू है, इसमें बी एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया तो बी इंटू थ्री, थ्री बी, ए माइनस थ्री बी होल डिवाइडेड बाई बी आ चुका है। तो रूट फाइव मैंने क्या कहा, रूट फाइव को आइसोलेट करो, अभी तो टू रूट फाइव आइसोलेट हुआ है ना, सो रूट फाइव को आइसोलेट करेंगे तो टू को भी इधर भेजेंगे, तो उधर मल्टीप्लायर है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, तो यहां से रूट फाइव की वैल्यू आ जाएगी a माइनस थ्री बी, और टू को नीचे ले आया तो टू बी। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, बोलो भव्या पीछे कैसे बैठा है, तेरे को आगे बैठने के लिए कहा है ना, आ गया यहां पे, आ यहां पे इधर आओ और तू खड़ा, हाँ, गंदी मछली को आइसोलेट करना पड़ेगा, बाहर निकल जल्दी, उधर बैठ, रुद्र के पीछे वाली बेंच पे, हाँ इधर आओ, अब आवाज नहीं आनी चाहिए अननेसेसरी में, नहीं तो क्लास से आइसोलेट कर दूंगा, फिर कोचिंग से, फिर मोहल्ले से, ओके आओ।
रूट फाइव इक्वल टू ए माइनस थ्री बी डिवाइडेड बाई टू बी, यहाँ तक कोई डाउट? एनी अदर स्टूडेंट? ठीक है, अब सुनना ध्यान से जो चीज मैं कह रहा हूँ, अब ये फील करने वाली बात है, आगे फील करने वाली बात है, क्योंकि आगे एक लाइन लिखेंगे और क्वेश्चन खत्म है। तो फील कैसे करना है, देखो ए एक इंटीजर है, इंटीजर बोले तो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, कुछ भी इंटीजर, डेसिमल नहीं है डेसिमल। बी भी एक इंटीजर है, डेसिमल नहीं है। तो एक इंटीजर में से किसी दूसरे इंटीजर का तीन गुना माइनस करूं तो ओवरऑल एक इंटीजर आएगा, एक इंटीजर परफेक्ट वैल्यू मतलब कंप्लीट वैल्यू में से किसी दूसरे इंटीजर का तीन गुना, जैसे कोई भी एक इंटीजर बोलो, ए की जगह में कोई भी इंटीजर ले लेता हूं, क्या 25, ध्यान से देखना, ए की जगह रुद्र ने कहा कि सर 25 लेके देखना, ये 25 आ गया। मयंक बोलो बी की जगह कोई दूसरा इंटीजर, एनी अदर इंटीजर, माइनस में भी बोल सकते हो, एनी अदर इंटीजर, जीरो भी बोल सकते हो। हाँ, इंटीजर तो बताया क्या होता है, कंप्लीट नंबर, डेसिमल नहीं होना चाहिए, 5। ओके, सो करना 3 × 5 क्या होता है, और 25 में से 15 गया तो क्या आता है, तो 10 भी एक इंटीजर है। इनफाइनाइट एग्जांपल्स ले लो, ए और बी के, क्या न्यूमरेटर पार्ट एक इंटीजर होगा या नहीं होगा? न्यूमरेटर पार्ट ओवरऑल जैसे भी 10 आया, 25 में से 5 का 3 गुना माइनस किया तो 10 एक इंटीजर आया। तो आप ए और बी कुछ भी ले लो, क्योंकि ए और बी इंटीजर है तो उनका कॉम्बिनेशन इंटीजर ही आएगा। सो न्यूमरेटर इंटीजर, बी डिनोमिनेटर भी इंटीजर, एंड व्हाट इज इंटीजर बाय इंटीजर, रैश, इंटीजर बाय इंटीजर, इंटीजर इंटीजर बाय इंटीजर, इंटीजर 5/3 इंटीजर आएगा। इंटीजर बाय इंटीजर एक रैशनल नंबर होगा, होगा नहीं होगा? सम इंटीजर डिवाइडेड बाय सम इंटीजर, वही पी बाय क्यू की फॉर्म बन गई ना। सो ओवरऑल ये एक रैशनल नंबर है, पर ये तो इरेशनल नंबर है, मतलब इसकी बात कर लेता हूँ, ये एक रैशनल नंबर है पर ये तो इरेशनल है, तो एक इरेशनल, अब इस ये इरेशनल की वजह प्रूव नहीं करना, ये इरेशनल क्यों है रूट फाइव, इसको प्रूव नहीं करना, हम लिख देंगे वी नो दैट रूट पी टाइप के नंबर तो इरेशनल होते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव कर लिया हमने, वी नो दैट रूट पी टाइप के नंबर क्या होते हैं, इरेशनल, बट राइट साइड तो एक रैशनल वैल्यू बनती है। सो एक इरेशनल वैल्यू एक रैशनल वैल्यू के इक्वल कैसे आ सकती है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट ऊपर वाला नंबर रैशनल है, हेंस ऊपर वाला नंबर इरेशनल। समझ गए, वेरी इजी, लाइंस लिख लें इसके बाद की, बोलो किसी को कोई डाउट? इसके बाद तो कल फील ही करना है, रटी रटाई लाइन ही लिखनी है, एक बार ये आइसोलेट हो गया ना पूरी तरीके से तो इधर जो भी आएगा 100% रैशनल है, पर वो इरेशनल है। तो एक इंटीजर का दुगना करेगा तो इंटीजर नहीं मिलेगा क्या? हाँ, बी क्या लिया था तूने, 10 लिया था, 10 का दुगना 20, ऊपर क्या आया था 15, 15/20 एक रैशनल नंबर हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। ए और बी का कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाओ इंटीजर ही बनेगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। अच्छा, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है अपन ने, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है, ए की शर्त पे ये रैशनल नहीं बनता जब बी जीरो होता, क्योंकि नीचे जीरो आ जाता, वो तो है ही नहीं वो तो है ही नहीं, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो हमने लिखा है, तो ये जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर हो, ऊपर कोई भी इंटीजर हो, तो इंटीजर बाय इंटीजर एक रैशनल नंबर होगा नहीं होगा? होगा। क्लियर है? बोलो कृतिका, ईशानी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद लाइंस बस रटी रटाई लिखनी है, तो यहां तक फील हुआ ना भाई, ये इरेशनल है और ये इरेशनल वैल्यू। चलते हैं आगे, इसके बाद क्या करना है अपने को, नाउ ए एंड बी वर इंटीजर्स, या ऐसे लिख दो, नाउ ए माइनस थ्री बी डिवाइडेड बाय टू बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, a माइनस थ्री बी डिवाइडेड बाई टू बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, शुरू में लिख दिया था हमने, इज ए रैशनल वैल्यू, इज ए रैशनल वैल्यू बिकॉज या एज a एंड b आर इंटीजर्स, एज a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि a और b इंटीजर्स है तो a माइनस थ्री बी डिवाइडेड बाई टू बी, जहां b को जीरो नहीं लेना, ये वैल्यू रैशनल वैल्यू होगी, पर ये तो इरेशनल वैल्यू के इक्वल आ रही है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट एंड इट इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख देंगे हम, एंड इट इज इक्वल टू रूट फाइव विच इज इरेशनल, या फिर ऐसे लिख लो, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्रा
contradicts the fact that this contradicts the fact that root 5 is irrational. That root 5 is irrational. और इसके बाद वही सेम लाइन जो पिछली बार थी. एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल एंड 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरैशनल. लिखो, करो खत्म, लिखवाऊं वो भी एक एक वर्ड टू वर्ड. इतना लिख लिया, इसके बाद क्या लिखना है बोलो. आ रहा एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन that wrong assumption kya hai 3 plus 2 root 5 is rational hence 3 plus 2 root 5 is irrational. Iske aage ka complete karo, bolo maulik, koi doubt? To ye easy hai kaafi, bas irrational part ko isolate karo, karte hi pata hai kya hoga, dusra part automatic rational aayega. That अब रॉन्ग अजम्पशन लिख ले ऊपर ऊपर वाली लाइन जहां से क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, कोई तो रॉन्ग अजम्पशन है. क्या है रॉन्ग अजम्पशन? 3 प्लस 2 रूट 5. ये लो रे यार, लिख ही देता हूं. एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our wrong assumption, that क्या था wrong assumption जो पहली लाइन थी इसकी, इस क्वेश्चन इसके सॉल्यूशन की पहली लाइन क्या लिखी थी अपन ने, is rational. तो ये assumption wrong है. तो दो ही रास्ते हैं, rational irrational. अगर रैशनल का अजम्पशन रॉन्ग है तो वो इरैशनल है. हेंस हेंस वी कैन कंक्लूड दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरैशनल. तो किसी भी रैशनल नंबर को इरैशनल प्रूव करने की लास्ट की कुछ लाइंस तो सेम रहेंगी, ठीक है, चाहे फिर रूट पी टाइप का हो या इस टाइप का हो, और प्रोसेस करीब करीब सेम रहेगा रैशनल मान के स्टार्ट करना है, ठीक है. बोलो कोई डाउट? नो डाउट, बोलो नो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हो गया नोट डाउन? दीपिका लीजा हो गया नोट डाउन? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. 1/√2 को इरेशनल कैसे प्रूव करोगे बोलो, आइसोलेट कर दो. वेरी इजी, तीनों क्वेश्चन होमवर्क है, देखो आप कैसे करेंगे. देखो तीनों क्वेश्चन होमवर्क है, आइसोलेट करने का तरीका देख लो. जैसे ले लिया मैंने 1/√2 और ये तीनों क्वेश्चन जैसे आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. 1/√2 ले लिया, ठीक है, तो 1/√2 को आप क्या ले लोगे, रैशनल मान लोगे. सो इसको p/q और p/q के बाद a/b में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं. इसमें रूट टू को आप आइसोलेट कर दो, रूट टू की वैल्यू हो जाती है बी बाय ए, हो जाती है. बोलो रेसिप्रोकल कर दो ना. अब अगर ए बाय बी एक रैशनल वैल्यू है तो बी बाय ए भी तो एक रैशनल वैल्यू होगी, होगी नहीं होगी? सो एक रैशनल की वैल्यू इरेशनल के इक्वल कैसे आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया. रूट टू को तो इरेशनल 100% वैसे ही मानना है ना भाई, रूट टू इरेशनल है वो नहीं प्रूव करना ना आपको. बस क्या कर दिया करो, जो आपकी गंदी मछली है उसको आइसोलेट कर दिया करो, यानी उसकी वैल्यू निकाल दिया करो उस इक्वेशन से. सो इसमें से रूट टू की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट रेसिप्रोकल करना है आपको, कुछ नहीं करना. रेसिप्रोकल करते हैं, रूट टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी बाय ए. अब इधर एक रैशनल वैल्यू आ रही है, इधर एक इरेशनल वैल्यू आ रही है, गेम ओवर, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, यानी हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग था. इजी है बहुत, ओके. 7/√5 उससे ज्यादा इजी है. 7/√5 को हम लिखेंगे वही p/q कन्वर्ट करके a/b. सो रूट 5 की वैल्यू हो जाती है a/7b. अब ये a by b, अगर a और b इंटीजर्स हैं तो a by 7 भी एक रैशनल वैल्यू है, और ये रूट 5 को इरेशनल प्रूव नहीं करना, अंडरस्टूड माना है. रूट p टाइप का नंबर है, इरेशनल होगा ही होगा, ठीक है. इसको देखो 6+√2, 6+√2 को जैसे ही हम p by q लिखेंगे फिर काट पीट के a by b लिखेंगे. तो रूट 2 को करो आइसोलेट,
तो 6 उधर चला जाएगा, a बाय बी माइनस 6, तो b को एलसीएम ले लूं तो रूट टू की वैल्यू हो जाती है a माइनस 6b डिवाइडेड बाय b। ये एक रैशनल वैल्यू है, ये एक रैशनल वैल्यू है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, गेम ओवर हो गया। बोलो अब तीनों क्वेश्चन के जब आप स्टेप्स लिखेंगे तो यकीन मानो इस क्वेश्चन के स्टेप्स याद हो जाएंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन के स्टेप्स आप कह रहे हो सर याद नहीं हो रहे, याद नहीं हो रहे, तो करो ना क्वेश्चंस, करो ना प्रैक्टिस, क्यों नहीं होंगे। अब आपका कोई डाउट था बोलो, उधर से बोलो। रूट पी प्लस रूट क्यू को इरेशनल कैसे प्रूव करें, देखो ध्यान से। हाँ, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स या प्राइम नंबर्स, एनी इंटीजर्स, ओके, वो तो और ज्यादा आसान है। देखो रूट पी प्लस रूट क्यू को हम कैसे प्रूव करें कि ये एक इरेशनल नंबर है, ओ ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है? कैसे करेंगे देखो, अब रूट पी प्लस रूट क्यू को मैंने करवा दिया ना, अगर बेटा अगर मैंने रूट पी प्लस रूट क्यू को करवा दिया ना तो रूट टू प्लस रूट थ्री भी हो जाएगा, रूट थ्री प्लस रूट फाइव भी हो जाएगा, पी और क्यू एनी, इसने तो इंटीजर्स का है, मैं तो प्राइम नंबर्स कह रहा हूँ, प्राइम नंबर्स के भी हो जाएंगे, एनी इंटीजर्स भी हो जाएंगे, ठीक है? रूट पी प्लस रूट क्यू को कर लिया तो आप रूट सेवन प्लस रूट इलेवन भी कर सकते हो, सारे एग्जाम्पल्स कवर हो गए इसमें। तो देखो रूट पी प्लस रूट क्यू को वही पी बाई क्यू में कन्वर्ट करके ए बाई बी पे कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से आप सब दो दो आ गए तो किसी एक को आइसोलेट करो, क्या कहा मैंने, किसी एक को आइसोलेट करो, या तो रूट पी की वैल्यू निकाल ले या रूट क्यू की वैल्यू निकाल ले। जब एक आ रहा था तो उसी को आइसोलेट कर रहे थे, लाइक रूट फाइव आ रहा था तो उसी को आइसोलेट कर रहे थे, रूट टू आ रहा था तो उसी को आइसोलेट कर रहे थे, पर दो दो गंदी मछली आ गई, तो एक बार किसी भी एक गंदी मछली को आइसोलेट करो। बोलो रूट पी को आइसोलेट करोगे या रूट क्यू को करोगे, रूट पी को आइसोलेट करना है तो रूट पी की वैल्यू बताओ यहां से, रूट पी ए बाय बी माइनस रूट क्यू, एनी डाउट? अच्छा एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, रूट पी इक्वल टू ए माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बी रूट क्यू, बी रूट क्यू भाई रूट वाला रूट के अंदर रहेगा, रूट के बाहर वाला बाहर रहेगा, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय बी, यहां तो कोई डाउट नो। अब आप करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करो, सो रूट पी का स्क्वायर बोलो पी, वेरी गुड, और इधर बी का स्क्वायर पहले मैं नीचे लिख देता हूँ बी स्क्वायर, और ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो a का स्क्वायर ठीक है प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोलो तो b का स्क्वायर तो b स्क्वायर और रूट q का स्क्वायर q, सो क्या हो जाएगा ये, वेरी गुड, और माइनस 2ab भी तो करोगे, सो माइनस 2ab करोगे तो 2 into a into b root q, यानी 2ab root q, बोलो कोई डाउट नो। अब इस पूरी क्वांटिटी में एक ही रैशनल वैल्यू दिखाई दे रही है, इस पूरी क्वांटिटी में एक ही रैशनल वैल्यू दिखाई दे रही है, उसको अगेन आइसोलेट कर दो और जो करते थे वो कर दो, इधर रैशनल बच जाएगा इधर इरेशनल बच जाएगा। इस पूरी क्वांटिटी में एक ही रैशनल वैल्यू दिखाई दे रही है, गंदी मछली, दो गंदी मछलियों को, एक को तो मैंने अच्छी मछली बना दी बना दी फिल्टर करके, अब एक ही गंदी रह गई, इसको अगेन आइसोलेट कर दो, आइसोलेट कर दो मतलब एक साइड छोड़ दो, या तो आईएलएचएस या आरएचएस, फिर वो का वही कहानी, इधर रैशनल इधर इरेशनल। देखो ये क्या क्या कह रहे हो, देखो रूट के अंदर एनी इंटीजर ले लो पर परफेक्ट स्क्वायर मत लेना, वो सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं, ऐसा रियल नंबर्स के पहली क्लास के इंट्रोडक्शन में बताया, लाइक रूट वन रूट टू रूट थ्री रूट फोर रूट फाइव रूट सिक्स, ऐसे टाइप के नंबर्स हैं इसमें। अब रूट वन एक वन एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये रैशनल है, टू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इरेशनल, थ्री परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इरेशनल, फोर परफेक्ट स्क्वायर है रैशनल, क्लियर है ठीक है ना, ओके तो अब बताओ आगे इसको आइसोलेट कर दो। तो अगर इसकी वैल्यू अगर फोर होगी तो ये नंबर इरेशनल क्यों होगा, तो p के कारण अगर ये वैल्यू इरेशनल है तो सीधे सीधे ये रैशनल है, फोर बेस है, हो गया आइसोलेट। भाई तू तो आसान कर रहा है क्वेश्चन उल्टा, ये क्वेश्चन मुश्किल तभी होगा जब ये इरेशनल है, और मुश्किल से मुश्किल का सॉल्यूशन यही है। अब अगर आप तुम कुछ भी सोचे ना ऐसा हो जाए तो उल्टा आसान बन रहा है वो, तो लेट से आपने q को परफेक्ट स्क्वायर मान लिया तो फिर तो रूट q रैशनल हो गया ना, तो रैशनल को इधर ले आओ, एक इरेशनल की वैल्यू रैशनल के बराबर हो ही नहीं सकती, बात खत्म, गेम ओवर, ठीक है क्लियर है। अब इधर आओ, अब रूट क्यू को आइसोलेट करके बताओ कैसे करोगे, पहले बी स्क्वायर को इधर ले आओ, पहले क्या करो b
बी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा पी बी स्क्वायर, पी बी और उधर से क्या क्या लाओगे, इसको लाओ इसको लाओ, तो ए स्क्वायर को इधर लाओ तो माइनस ए स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर क्यू को लाओगे तो माइनस बी स्क्वायर क्यू, उधर क्या बच गया, ये क्वांटिटी बच गई बस, तो इसमें से माइनस टू ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस टू ए बी, और उधर क्या रह जाएगा अकेला, तो ये ए और बी, और देखो यहां पे ये रैशनल वैल्यू बन चुकी है, किसी इरेशनल नंबर का स्क्वायर रैशनल होता है, कुछ चीजें अंडरस्टूड माननी पड़ेगी, किसी इरेशनल नंबर का रूट पी टाइप के रैशनल नंबर का स्क्वायर क्या होता है रैशनल, जैसे यहां रूट टू है तो रूट टू का स्क्वायर करूंगा टू तो रैशनल आएगा, तो पी रैशनल है, सो इसमें पी रैशनल, बी रैशनल, ए रैशनल, तो ये सारा कॉम्बिनेशन रैशनल नंबर्स का है, तो रैशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन से रैशनल ही मिलेगा, रैशनल की वैल्यू इरेशनल के बराबर आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, अजम्पशन रॉन्ग है, ठीक है क्लियर है क्या इसको, इस फॉर्म में रखोगे तो देखो अगेन ये रैशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, तो फिर ऐसे तो पहले ही था है ना, आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, रैशनल पार्ट एक साथ छोड़ना पड़ेगा, इरेशनल पार्ट एक साथ छोड़ना पड़ेगा, अब दो दो इरेशनल पार्ट हैं, तो पहले मैंने एक को इस साइड भेजा और बचे हुए को, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कौन है पक्के दोस्त, मान लो मनन एंड अहद मान लो कि दो इरेशनल नंबर्स हैं, मतलब ऐसे मान लो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उधम मचाते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया पहले उसको उस रूम में भेजा, उधर बैठ में आता हूँ और इसके कान भर दिए, मतलब इसको अच्छा कर दिया मैंने, कान भर दिया मतलब इसको फिल्टर कर दिया, और फिर उसको बुलाया, अब जब उसको बुलाया तो ये तो फिल्टर हो चुका है तो ये अकेला क्या ही कर लेगा, तो मैंने क्या किया पहले इसको इधर भेजा और पी रूट पी पे काम किया, रूट पी को फिल्टर करके पी बना दिया, अब अकेला एक ही गंदी मछली बची, उसको आइसोलेट कर दो, बात खत्म, ठीक है क्लियर, एनी डाउट्स, सो चैप्टर ओवर, एक्सरसाइज ओवर, डाउट्स ओवर, टेस्ट विल बी टुमारो, सो गेट रेडी फॉर द टेस्ट, चैप्टर नंबर वन का टेस्ट है कल, जो एब्सेंट हो गई तो उनको बता देना, ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय, अरे एसएसटी की क्लास है, एसएसटी की क्लास है, सर आ गए, बैठो एक मिनट बैठो।